टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी। मैंने मेरे चैनल के ऊपर सेल्फ लव और सोलो डेट रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, बट द मोमेंट आई सॉ दिस बुक आई वॉज लाइक इस बुक को पढ़ के इसका रिव्यू वीडियो बनाना तो मस्ट है, क्योंकि आई वॉज डीलिंग विद द यू नो फीलिंग ऑफ बींग लेफ्ट आउट वाइल ऑल योर फ्रेंड्स आर बींग इन अ रिलेशनशिप, या द फीलिंग ऑफ बींग लोनली वाइल बींग सिंगल। बट नाउ आई कैन से दैट आई हैव द आंसर्स टू माई क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दिस बुक। इस बुक को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, यू कैन चेक आउट द टाइम स्टैम्प्स फॉर द सेम। सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस बुक। ऑलमोस्ट 230 या 240 पेजेस की बुक है, विच मीन्स आपको अराउंड एक महीना तो लग ही जाएगा इस बुक को पढ़ने में। द ओरिजिनल कॉस्ट इज 600 रुपीज, बट मुझे ये 450 के आसपास मिल गई थी अमेजोन पे, विच इज स्टिल एक्सपेंसिव। आई फील कोई भी बुक अबव 200 रुपीज इज एक्सपेंसिव। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ दिस बुक, ये जो बुक के ऑथर हैं वो एक थेरेपिस्ट हैं, तो इनके काउंसलिंग सेशंस में जितने भी क्लाइंट्स आते थे उन्होंने उनकी स्टोरीज और अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है उनके बारे में इसमें मेंशन किया, तो उनकी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स, ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया है। द ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस बुक इज क्योंकि ये जो थेरेपिस्ट हैं वो फीमेल थी और उनकी जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल क्लाइंट्स ही मिली हैं उनको ज़्यादातर, तो ये बुक काइंड ऑफ काफ़ी फीमेल सेंट्रिक एडवाइजेस के बारे में बात करती है, बट जो स्ट्रैटेजी बेस्ड एडवाइजेस हैं, जो साइंटिफिक यू नो बेस्ड एडवाइजेस हैं, वो काफ़ी जेंडर न्यूट्रल है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट। नाउ द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द मिजरी फॉर्मूला और why looking for Mr. or Miss Right is making you feel so wrong. The second part talks about the sane solution, living freely in the times of Tinder, ghosting and exes on Instagram. Basically part 1 mein problems mention ki gayi hain, part 2 mein solutions bataye gaye hain. जिसका जो चैप्टर 1 है विच इज़ हैप्पीनेस एंड दी हस्बैंड ट्रेडमिल, इसका टाइटल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ऑथर का मानना है कि आप ये बुक मोस्टली दो रीज़न से पढ़ोगे। पहला रीज़न जिसमें आप सिंगल हो और आप परेशान हो इस बात को लेके, क्योंकि आपके आसपास के लोग सब कमिटेड हैं एंड आपको लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते लव, आपको लगता है आप हमेशा सिंगल ही रहोगे, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो रिलेशनशिप में तो हैं बट फिर भी सिंगल फील करते हैं, वो इतने खुश नहीं है उस रिलेशनशिप से। इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ऑथर ने हस्बैंड ट्रेडमिल और हेडोनिक ट्रेडमिल को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने एक चार्ट के थ्रू बताया ये चीज़, जिसमें हैप्पीनेस लेवल का एक सेट पॉइंट है, ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टेंट। ना आप ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो ना आप ज़्यादा लो फील कर रहे हो। उस मोमेंट पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि अगर हमें कोई इंसान मिलता है तो उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली हैप्पी और एलिवेटेड फील करने लग जाएंगे, हमारी लाइफ एकदम बदल जाएगी अगर हमारी लाइफ में एक पार्टनर आ गया तो। बट रियलिटी वैसी नहीं होती है, रियलिटी होती है हेडोनिक ट्रेडमिल की, विच मीन्स अगर हैप्पीनेस का एक सेट लेवल है तो आपकी लाइफ में अगर हैप्पी मोमेंट आएगा तो वो जो ग्राफ है वो हैप्पी की तरफ जाएगा, एंड अगर आपका आपकी लाइफ में बहुत अपसेटिंग मोमेंट आ रहा है तो वो नीचे चला जाएगा। तो सबकी लाइफ ऐसे लाइक अप एंड डाउन चलती रहती है, बट जब हम सिंगल होते हैं और हम पार्टनर को चेज कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि एक बार वो इंसान मिल गया ना हमारी लाइफ एकदम बढ़िया चलेगी, वो जो हैप्पीनेस का सेट लेवल है उससे ऊपर ही रहेगा हमारा ग्राफ एंड हम हमेशा खुश रहेंगे, विच डजंट हैपन, इट्स अ मिथ। सो इसके सॉल्यूशन में ऑथर कहते हैं दैट यू नीड टू प्रैक्टिस हैविंग अ माइंडफुल माइंडसेट, विच मीन्स आपको अपनी हैप्पीनेस को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्चुअल में मुझे हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। यू नो कॉलेज में चार दोस्तों के साथ लेक्चर बंक मारना भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है, या मम्मी के हाथ के बने राजमा चावल खाना भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है, अपनी फेवरेट मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना वो भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है। तो आपको अपनी हैप्पीनेस को डिफाइन करना पड़ेगा एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू बी माइंडफुल और प्रेजेंट इन द मोमेंट व्हेन दीज इवेंट्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। हम इन सिचुएशंस में माइंडफुल नहीं रह पाते इसलिए हम हैप्पीनेस को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जो चीज हमारी लाइफ में नहीं है। So you need to learn how to bring that focus back to your present moment. Then the next chapter is about ruminating will ruin your life if it hasn't already. And I truly believe in it. क्योंकि author कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में ना एक ही type के thoughts काफ़ी ज़्यादा बार चल रहे हैं, which means if you think के मैं तो single हूँ, मुझे लगता है मैं single ही मरने वाला हूँ, मैं तो love deserve ही नहीं करता, मुझे कभी प्यार मिलने ही नहीं वाला, सब दुनिया भर के relationships हो जाएंगे, मैं तो single ही बैठा रहूँगा, देन ये सब थॉट्स सोच के आप अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से ख़राब कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आप अपने आप को बुरी बुरी बातें समझा रहे हो, बल्कि ऐसा है भी नहीं रियलिटी में। देन यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तो अगर तुम बदलना चाहते हो उस चीज़ को तो कोई तुम्हें आ नहीं रहा है रेस्क्यू करने के लिए, तुम्हें खुद ही अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द पॉजिटिव थॉट्स। ऑथर कहते हैं कि तुम एक्सेप्ट कर लो अपनी रियलिटी कि हाँ तुम हो सिंगल, नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि या तो तुम उसी रियलिटी में जी के अपने आप को रो रो के परेशान करोगे या
यू जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, लाइक यू स्टार्ट रिप्लेसिंग योर नेगेटिव थॉट्स विद द पॉजिटिव थॉट्स. तो लेट्स से इससे पहले तुम्हारा दिल ऐसे थोड़ा सा टूटा हुआ है, वेयर इन यू आर रनिंग ऑन द हस्बैंड ट्रेडमिल, यू आर रिग्रेटिंग, यू आर रूमिनेटिंग, यू आर सप्रेसिंग एंड सेटलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उस नेगेटिव इमोशन से बाहर आने के लिए पॉजिटिव इमोशंस में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने दिल को जोड़ने की कोशिश करो बाय वॉचिंग योर मूड, बिल्डिंग योर कम्युनिटी, गिविंग टू अदर्स, फोकसिंग ऑन योर वैल्यूज, पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज एंड लिविंग इन द मोमेंट. ये करने से तुम बहुत बेटर फील करोगे अकॉर्डिंग टू ऑथर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी. नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट टू ऑफ द बुक विच इज द सोल्यूशन पार्ट, इसमें ऑथर कहते हैं कि हम ह्यूमन्स की ना एक बायोलॉजिकल नीड होती है वेर इन वी वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस एंड लिव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है. बट इस चक्कर में फाइंडिंग अ पार्टनर बिकम्स अ गोल फॉर अस, जिसमें लेट सपोज अगर हम डेट पे जाते हैं, ठीक है, और अगर वो डेट इतनी अच्छी टर्न आउट नहीं हुई, लेट से कि वो आपका पोटेंशियल बॉयफ्रेंड या पोटेंशियल हस्बैंड नहीं निकलता, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो क्योंकि आप एक गोल से गए थे कि भाई मैं तो आज मिल के ही आऊँगा अपने द वन से, ठीक है. बट वो जब नहीं होता ना, नहीं होता वो चीज़ रियलिटी में, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. तो इंस्टेड अगर हम फाइंडिंग अ पार्टनर को एज अ गोल ना देख के एज अ वैल्यू देखें, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना कि जब भी आप डेट पे जाओगे एंड द डेट डजेंट टर्न आउट टू बी इनटू अ रिलेशनशिप, देन ऑल्सो यू विल बी फाइन बिकॉज यू विल थिंक कि यार मैंने इससे क्या वैल्यू प्रोवाइड की. मे बी यू हैड अ गुड टाइम, मे बी यू डिस्कवर्ड अबाउट अ न्यू कैफे, तुमने सामने वाले की हेल्प की कुछ ना कुछ सुन के, या अपनी कुछ बात तुम्हें बोलनी थी जो किसी और के सामने नहीं निकली बट उस बंदे के सामने निकल गई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकला ही होगा उससे. तो तुम्हारा जो फोकस है ना, इंस्टेड ऑफ गोल ओरिएंटेड, दैट विल शिफ्ट टू वैल्यू ओरिएंटेड, एंड आई फील यू विल बी मोर एट पीस वाइल शिफ्टिंग दैट फोकस. एक और लेसन है जो काफी इंटरेस्टिंग है इस बुक से. अब क्योंकि ऑथर एक थेरेपिस्ट है, तो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड. एक होते हैं जो सिंगल हैं और परेशान हैं, उन्हें लगता है कि वो प्यार डिजर्व नहीं करते. दूसरे हैं जो हर बार गलत रिलेशनशिप में ही आते रहते हैं. तीसरे टाइप हैं जो रिलेशनशिप में होने के बाद भी खुश नहीं है. अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट्स की, बट सबका एक ही क्वेश्चन होता है ऑथर से, दैट हाउ डू वी फाइंड दैट दिस पर्सन इज राइट फॉर मी, और हाउ डू वी फाइंड लाइक अ परफेक्ट पार्टनर फॉर अस. सो द ऑथर सेज दैट यू नो रिस्पेक्ट, लव, कंपैशन, ये तो बेसिक क्वालिटीज हैं, ये तो होनी ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड स्वाइप राइट ऑन शेयर्ड वैल्यूज, विच मीन्स आपके पास पहले तो एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आपकी क्या क्या वैल्यूज हैं, आपके ऐसे कौन से डीप बिलीव्स हैं, कौन से डीप वैल्यूज हैं जिन पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जिनमें आप लाइक ट्रूली बिलीव करते हो, ठीक है. वो लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए. फिर उसके बाद आप देखो कि आपका जो पोटेंशियल पार्टनर है उसमें ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो यू नो मैच करती हैं, या अगर मैच कर भी रही है तो वो किस लेवल तक मैच कर रही हैं. तो यू विल गेट एन आइडिया कि यू नो उस पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी. आई लाइक रियली लाइक दिस टिप अ लॉट. थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो ऑथर ने ऑलरेडी दे रखे हैं, सो यू कैन रेफर दैट. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट थिंग्स आर यू लुकिंग फॉर इन अ रिलेशनशिप. अगर आप काफ़ी लाइक लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, देन दिस टिप अप्लाइज टू यू, एल्स तुम देख लो अपना क्या करना है. नॉट टॉकिंग अबाउट शुड यू रीड दिस बुक, वेल इन माई ओपिनियन ऑनेस्टली अगर आप चाहे सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आई थिंक आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. दिस बुक एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ गुड एडवाइसेस, एंड कुछ ऐसी एडवाइसेस नहीं होती जो आप चाहते हो कि यार काश ये मेरे माँ बाप मुझे सिखाते, वो इस बुक में लिखी हुई हैं. आपको बहुत अच्छा लगेगा. द पार्ट वन इज मोर अबाउट लाइक फीलिंग गुड, ऐसी बातें जो आप एक्चुअल में सुनना चाहोगे अपने बारे में, स्पेशली इफ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. This is the book that you should read. Yeah, I mean, this is a wonderful book. Beginner friendly है, बहुत ही simple language में लिखी हुई है, तो आपको समझ भी आ जाएगी. मेरा personal experience काफ़ी अच्छा था इस book को read करने का, क्योंकि you know, I have been single for a really long time and मेरी love के जो definitions है, it is more about you know, solo dates, self love and all that stuff. मुझे वो अच्छे से आता है करना, but when I am in a relationship, तो how should I like treat my partner or how I should be treated in a relationship? ये सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं इतना आइडिया है, बट ये बुक के बारे में, मतलब इस बुक में वो चीज़ें सारी बताई गई हैं. तो आई थिंक दिस बुक रियली हेल्प मी इन बींग मोर मेच्योर, एंड मेरी लव की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बदल चुकी है. सो इफ़ यू आर रीडिंग दिस बुक, एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम ये चीज़ कि यू विल बी एबल टू मेक same decisions in with respects to choosing the right partner for yourself after reading this book. ये तो हो गई सारी अच्छी बातें about the book, but I'll tell you what I didn't like. इस book का जो title है ना, science based strategies for keeping your sanity while looking for a soulmate. तो ये जो second line लिखी है for keeping your sanity while looking for a soulmate, ये book अच्छे से fulfill करती है. But the first thing, science based strategies. मुझे एक भी strategy या let's say कोई भी ऐसी भयंकर strategy नहीं थी जो science based
सॉल्यूशन प्रोवाइड करे. मुझे तो सारी नॉर्मल सी लगी जो हर सेल्फ हेल्प बुक मेंशन करती है कि भाई सेल्फ अवेयर रहो, एक जगह बैठो, पेन और पेपर लो, अपने फीलिंग्स के बारे में लिखो, अपने गोल्स के बारे में लिखो, तुम्हें क्या चाहिए वगैरह वगैरह. तो मुझे ऐसा कुछ नया सुनने नहीं मिला एंड दैट रियली डिसअपॉइंटेड मी. बिकॉज ऑफ दैट रीजन द प्राइस ऑफ द बुक इज अ बिट एक्सपेंसिव साइड. नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट माई टेक अवे फ्रॉम दिस बुक, आई टेल यू माई biggest टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज टू नेवर अटैच योर हैप्पीनेस टू समवन एल्स. किसी और को जिम्मेदारी ही नहीं दे सकते इस बात की कि वो तुम्हें आके खुश कर सकता है. तुम अगर ऐसे सोच के बैठोगे ना कि भाई कोई और आ जाए मेरी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, नहीं, कभी नहीं होता. यू शुड नेवर अटैच योर हैप्पीनेस विद समवन एल्स. मैंने इस लाइन को ऑलरेडी दो बार बोल दिया बट जैसे तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाए और मेरे दिमाग में भी बैठ जाए इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया इस बात को. बट येस, दिस इज माई बिगेस्ट टेक अवे एंड यू नो वॉट आई फील. मतलब ये मेरा काफ़ी सिली सा एक थॉट है जिसमें आई फील कि ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी भर सिंगल रहने वाले हैं. ठीक है, कभी ना कभी तो, मतलब मैं तो कभी ना कभी तो रिलेशनशिप में आऊँगी, कभी ना कभी तो मेरी शादी होगी, वो आज होए चाहे कल होए चाहे कभी भी होए. बट एक बार शादी हो गई उसके बाद तो मैं कभी सिंगल नहीं रह पाऊंगी ना, कभी मैं मतलब ये वाली लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी. तो अभी इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर द फैक्ट दैट ओ मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ओ मैं तो रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ओ मेरे सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, ये वो हो रहा है, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर दैट थॉट व्हाई डोंट आई जस्ट एम्ब्रेस बीइंग सिंगल एंड व्हाई डोंट आई जस्ट स्टार्ट बीइंग हैप्पी विद माय ओन सेल्फ. क्योंकि कभी ना कभी तो हो ही जाएगी ना, और जब होगी उसके बाद मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी. तो अगर अब मुझे वो टाइम मिला है कि यार मैं सिंगल रह के वो चीज़ें कर सकती हूँ जो रिलेशनशिप वाले नहीं कर पाते, तो लेट मी जस्ट एम्ब्रेस इट. जब रिलेशनशिप होगा तब उसको भी एम्ब्रेस कर लेंगे. तो या आई मीन दिस इज माई थॉट. What do you think about it? Tell me. And yeah, with that silly thought, let's just end this video right here. This was it. I hope you guys like the summary of this book. I was really excited to shoot this video क्योंकि मुझे अपने thoughts के बारे में ऐसे करके बताना था. ठीक है, काफ़ी एकदम यहाँ तक थे सारे thoughts and I am so happy कि मैंने ये video बना दिया. आई होप यू गाइज लाइक डिट. प्लीज़ इसे अपने सिंगल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो फ्रेंड्स रिलेशनशिप में भी हैं उनके साथ भी शेयर करो, अपने मॉम डैड के साथ भी कर सकते हो क्योंकि यार ये एडवाइजेस उनको भी पता होनी चाहिए आई फील. या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हें लगता है कि इसको तो ये वीडियो भेजना ही चाहिए, उसे भेज दो. ठीक है, एंड या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक डिट. यू नो वॉट टू डू, यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट में अपना टेक अवे ज़रूर बताना. ठीक है, आई रिप्लाई टू एवरी सिंगल कॉमेंट एंड या आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे. Stay tuned. See you soon. Bye.